हाय फ्रेंड्स, आर्किटेक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि वीडियो को टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पर हमारा कोई फ्रेंड कोई मैसेज करता है या किसी पर्सन के द्वारा कोई मैसेज किया जाता है और उसको डिलीट कर दिया जाता है और हम उसको रीड नहीं कर पाते, तो बाद में हम देखते हैं कि वो मैसेज क्या था, तो हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर मैसेज था क्या। तो दोस्तों, मैं आपको डिलीटेड मैसेज रीड करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके हमें सर्च करना है नोटिसेव, इसको कर देना है इंस्टॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होता है जब तक कि वीडियो में स्किप कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिसेव इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें इसे ओपन करना है। अलाउ एक्सेस टू नोटिफिकेशन, ओके। नोटिसेव को इसमें परमिशन देनी है, नेक्स्ट करना है, अलाउ करना है। इसके बाद हमें सेटिंग से बाहर आ जाना है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी नोटिसेव ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब हम चेक करने के लिए देखेंगे कि ऐप हमारी वर्क कर रही है या नहीं है। तो मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ मेरे एक नंबर से दूसरे नंबर पर, हाय सेंड। हेलो, नेटवर्क के इशू कारण अभी मैसेज आया नहीं। जैसे मैसेज आ गया पर हमने अभी काउंट नहीं किया फर्स्ट वाला नंबर जो भी है, और इसको डायरेक्ट वहीं से दो तीन मैसेज और कर देते हैं। जैसे कि डबल टिक से आपको दिख रहा है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है, अब हम डायरेक्ट इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट फॉर एवरीवन। अब जैसे कि हम हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे, आकर देखेंगे कि सभी मैसेज डिलीट हो रखे हैं। हमें देख करना हमें चेक करना है कि क्या था मैसेज, क्या मैसेज किए हुए हैं डिलीट हो गए जो। तो हम जाएंगे नोटिसेव में, नोटिसेव ओपन करते ही, नोटिसेव ओपन करते ही दोस्तों हमें जिस पर्सन का, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं माई जियो मैंने सेव कर रखा है, उसी पे जाना है और इस पर क्लिक करते हैं हमको मैसेज दिख जाएंगे पूरे, हाय जो भी मैसेज है सब आ गए हैं यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए।